This conference will now be recorded. लॉ ऑफ एडिशन के अंदर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी इवेंट्स के दरमियान में या का वर्ड आएगा, हम उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके प्लस कर लिया करें, राइट? और उन दोनों इवेंट्स के दरमियान में जो साइन अगर आपने लिखना है तो वो ए यूनियन बी का है। फर्दर ये लॉ ऑफ एडिशन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक कि अगर आपके जो इवेंट्स हैं वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, तो उसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुए तो फिर इसी चीज का फार्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब हम दो सवाल करते हैं ऐसे छोटे छोटे से बेसिक से, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन यह है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर क्वेश्चन के अंदर खुद बता दे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं बताएगा तो फिर हम खुद जज किया करेंगे क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने बता दिया कि ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए और बी क्या आएगा। तो हमें पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में दोनों की प्रोबेबिलिटी सिर्फ प्लस की जाती है, ओके होगी बात। और हमारा आंसर कितना आ गया, 0.7। कितना आंसर आ गया, 0.7। इसके बाद एक और क्वेश्चन छोटा सा लिखते हैं। There are people use smartphone and people use Android phone and 10% people use बोथ। 60% लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, 40% लोग एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों फोन है। ओके, वो कहते हैं व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी या अ पर्सन इज सिलेक्टेड
अ पर्सन इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज स्मार्टफोन या एंड्रॉइड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज स्मार्टफोन या एंड्रॉइड? अब हम क्या अज्यूम करते हैं कि सपोज दैट कि जो 60% है, और एक बात याद रखें, जो चीज परसेंटेज में गिवन होती है वो डायरेक्ट होती ही प्रोबेबिलिटी है, वो होते ही चांस है। तो हम स्मार्टफोन वाले को कह देते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, एंड्रॉइड फोन वाले कितने लोग हैं? 40%, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और बोथ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, मतलब कॉमन स्मार्टफोन भी है उसमें उसके पास, और हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो बंदा आपने सेलेक्ट किया है उसके पास स्मार्टफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो। सबसे पहले तो हम लिखें कि वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आप मुझे बताएं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? जी कौन बताएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? सर ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जो कॉमन आ रहा है। कह रहा है कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स म्यूचुअली क्योंकि उसके अंदर उसने खुद ही कॉमन दे दिया है। तो फिर फार्मूला भी कौन सा लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के चांसेस है 0.6, बी के चांसेस है 0.4 और कॉमन है 0.10। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0.90। तो 90% चांसेस है कि जो बंदा आपने सेलेक्ट किया है उसके पास स्मार्टफोन होगा या एंड्रॉइड होगा, दोनों में से कोई ना कोई फोन जरूर होगा। और जो 0.1 हमने माइनस किया है वो ओवरलैपिंग माइनस की है, दोनों की बात। चलिए जनाब, उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटी के और लॉज हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। और आज बस वो लॉज का ही पोर्शन कोशिश करेंगे कि हमें समझ लग जाए। तो इसको आप नाम अगर लिखने दे तो कंप्लीमेंट्री लॉज से कहते हैं, कंप्लीमेंट्री लॉज, कंप्लीमेंट्री लॉज। सबसे पहले अगर वो कहता है कि आपके पास आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हैं तो इसका मतलब है समथिंग हैपन, समथिंग अकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए के अकरेंस के चांसेस, ए के अकरेंस के चांसेस। वो कहता है कि अगर आप ए के अकरेंस के चांसेस की नफी करेंगे, आप कहते हैं जी ए अकर ना हो, तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट से। अगर ए किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है तो ए उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है,
और अगर ए ना होने की प्रोबेबिलिटी है तो ए कॉम्प्लीमेंट फिर होने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर ए कहता है बारिश होने के चांसेस तो ए कॉम्प्लीमेंट करेगा बारिश ना होने के चांसेस क्या, ओके की बात। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे मैं कहता हूं बारिश होनी है और बारिश नहीं होनी, दोनों प्रोबेबिलिटी को ही अगर आप फाइंड करेंगे तो उसका आंसर 1 होगा, क्योंकि या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, दोनों की बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो किसके बराबर फिर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीट, मतलब ये दोनों फार्मूलाज ए की जगह से निकालेंगे। तो अगर आपने किसी दफा, यानी कि जिसके प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस आए और उसके ना होने के फाइंड करने, वो 1 में से माइनस कर दो, ओके की बात। इसके बाद हमारे पास है, मैं एक दफा लिख देता हूं कि ए इज अकर, इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। फिर ए इज नॉट अकर और वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और वो बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर अगली बात, वो कहता है ए अकर बट बी नॉट अकर, ए अकर बट बी नॉट अकर, कहता है ए के चांसेस हैं और बी कोई और चीज है, ओके की बात। तो जनाब इसको डिनोट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा गौर फरमाए इस स्टेटमेंट के अंदर, क्या ए अकर हो रहा है और बी अकर नहीं हो रहा, ए अकर बट बी इज नॉट अकर, तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की बात। आपने हर फार्मूले के नीचे एक लाइन छोड़ देनी है, वो लाइन मैंने आपको बाद में सिखानी है, फिलहाल हम ये काम करते हैं। फिर उसके बाद ए नॉट अकर बट बी अकर, ए अकर नहीं होगा बी अकर होगा। तो जनाब आप जस्ट एक दफा इसको सिर्फ लिख देंगे, लिखेंगे कैसे, फिर मैं इसका फार्मूला लिखवाता हूं आपको। सिर्फ एक दफा इस फार्मूले को लिखेंगे कैसे, जी जनाब, तो क्या तरीका कार होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर नहीं होगा बी अकर होगा, ए अकर नहीं होगा बी अकर होगा। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या है, आप जरा बहुत ही क्रिटिकल गौर फरमाएं, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट का निशान है वो आगे फार्मूले के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो अकर हो ही नहीं रहा, और ए में भी अगर उसका कोई कॉमन एलिमेंट अकर हो रहा है वो भी माइनस कर रहे हैं, तो प्योर प्रोबेबिलिटी बच जाएगी ए के अकरेंस की। यानी अगर ए के अंदर भी कोई कॉमन एलिमेंट है जो बी के अंदर भी है, वो भी माइनस कर देते हैं,
बी पूरे का पूरा निकाल देते हैं, और अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो भी साथ निकाल देते हैं। हो गया की बात। अब देख लें, पहले में बी अगर नहीं हो रहा है तो ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, और दूसरे में अगर आप देखें कि ए अगर नहीं हो रहा तो ए को छोड़ के बी में से इंटरसेक्शन को हमने माइनस कर दिया। डन की बात। नेक्स्ट कहते बोथ विल अकर, बोथ विल अकर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर वो कहता है बोथ विल अकर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब इंटरसेक्शन को एक्सपैंड करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, जब यूनियन को एक्सपैंड करते हैं तो प्लस होता है, जब इंटरसेक्शन को एक्सपैंड करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और जब यूनियन को एक्सपैंड करते हैं तो प्लस होता है। नेक्स्ट केस, फिर बोथ विल नॉट अकर, बोथ विल नॉट अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ये पेपर में सवाल आया हुआ, बोथ विल नॉट अकर, तो किसके बराबर इसको लिखेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये फार्मूला वैसे तो डी मॉर्गन लॉ से बनाया गया है, अगर आपको डी मॉर्गन लॉ का पता है, ये मैथ में पढ़ाया जाता है सेट्स के चैप्टर के अंदर, कि अगर दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट है तो अगर कंप्लीमेंट खत्म करना है तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी टोटल अगर कंप्लीमेंट ले रहा है तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब बोथ विल नॉट अकर की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड करना आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर कॉमन है तो, कॉमन नहीं है तो फिर ए और बी को प्लस कर देंगे, और अगर कॉमन है तो फिर कॉमन माइनस भी करेंगे। लो मेरे भाई, ये तो मैंने आपको बारी बारी ये सिखाया कि कितने फार्मूलाज इस्तेमाल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर लिखवाया है पेपर में वो बार बार आया हुआ है, दोबारा एक दफा डायरेक्ट लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए विल नॉट अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए विल नॉट अकर। फिर हमने सीखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो शुरू से सीखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर कॉमन है तो पहले वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर कोई दरमियान में कॉमन नहीं है तो दूसरे वाला फार्मूला लगा देंगे। डन की बात। चलें नेक्स्ट आ जाएं, फिर हमने सीखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ऊपर अपना देखे बगैर बताएं, याद आसानी से क्या करेंगे, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। गॉट इट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बोथ विल नॉट अकर,
वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोथ विल अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो बात समय लगी है नहीं जी जनाब? अच्छा, कितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट ले ली है? सिंपल प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट कितने लोगों ने ले लिया? सर अभी नहीं मिली सिंपल प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट। तो मैंने आपको कहा था ना कि आज लेने, ताकि हम उसमें की क्वेश्चन करना शुरू करें। सर मैं फाइनल असाइनमेंट कर रहा हूँ जी, फाइनल असाइनमेंट में से क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, फाइनल असाइनमेंट से नहीं करना है, फाइनल असाइनमेंट एंड पे करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी सीख तो लें। फाइनल असाइनमेंट फिर आपको ऐसे लगे कि जैसे बच्चों वाला काम है पहले। सर मैं तैमूर, फाइनल असाइनमेंट। चलें आप ऐसा करो, आज फिर इतना ही रखो, क्योंकि कल आप असाइनमेंट लेकर जाइएगा और ये फार्मूला एक दफा कर लीजिएगा जहन नशीन, फिर कल हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक दिन के टॉपिक है, कल ये आराम से कवर हो जाएगा। तो कल सबके पास असाइनमेंट होनी चाहिए हार्ड फॉर्म में, ठीक है? और कल फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। सर ये उधर से फोटोकॉपी वाली जगह से मिलेगी ना? आप उधर से पापा जी से मिले? बिल्कुल ठीक है सर। ओके, अल्लाह।